नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 28 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के साथ मिलेगा नाश्ता। बिहार में दिखा चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। अब एक टूर पैकेज में घूमे VTR और नेपाल के चितवन नेशनल पार्क। शिक्षा मंत्रालय ने भारत के 100 पर्यटन स्थलों में बिहार के इस जिले को किया शामिल। बिहार में कलाकारों के लिए जल्द ही जारी होगी प्रोत्साहन राशि। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में दिखा चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड कुछ प्रमुख राज्यों में से एक है। इन सब के बीच अब बिहार में भी इस तूफान का असर दिखने लगा है। यही कारण है कि एहतियात के रूप में पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई जिलों में इसकी वजह से तेज बारिश और हवाएं चलने की आशंका पहले ही जाहिर की थी। इसको लेकर केंद्र ने पटना, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, वैशाली आदि जिलों के साथ ही दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के जिलों में बारिश का आसार जाहिर किया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस तूफान का असर राज्य में अगले एक सप्ताह के लिए बढ़ सकता है। आमतौर पर सितंबर तक बिहार में मॉनसून लौट जाता है, लेकिन इस बार अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इसका असर देखने को मिल सकता है। घर बैठे मिनटों में बनेगा आपका डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की, जिसमें उनके हेल्थ रिकॉर्ड होंगे। ज्ञात हो ये डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड आधार कार्ड की तरह एक यूनिक आईडी कार्ड होगा, जो आपके हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करने में मदद करेगा। यह आपकी पर्सनल डिटेल्स के जरिए बनाया जाएगा। इस योजना में 4 आवश्यक ब्लॉक शामिल है: यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी, प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। स्कीम का पहला उद्देश्य इन 4 ब्लॉक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के लिए एक डिजिटल एनवायरमेंट बनाना है। पिछले 5 सालों में बिहार में बढ़े पर्यटक। बिहार सरकार बिहार को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की मंशा के साथ काम करती आई है। यही कारण है कि समय समय पर बिहार में पर्यटकों के आने जाने की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 5 साल की बात करें तो बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या में 50% की वृद्धि देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2014 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2.33 करोड़ थी, जो कि वर्ष 2019 में बढ़कर 3.50 करोड़ हो गई है। हालांकि इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि घरेलू के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या में 31% का इजाफा हुआ है और यह 8.3 लाख बढ़कर 10.9 लाख हो गई है। बिहार सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी सजग है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2020-21 में राज्य के पर्यटन विकास के विभिन्न योजनाओं पर 145 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। बिहार में पंचायतों की राशि का भुगतान करेंगे पंचायती राज पदाधिकारी। बिहार में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। वहीं इसी बीच पंचायतों की राशि का भुगतान करने के लिए पंचायती राज पदाधिकारी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत कानून में संशोधन के जरिए उन्हें पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी पहले बना दिया गया था, लेकिन वित्तीय अधिकार नहीं रहने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। इसलिए पंचायत राज अधिकारियों को वित्तीय अधिकारी भी बना दिया गया है, जिसके बाद जिला अधिकारियों को यह साफ कर दिया गया है कि वो पंचायत राज पदाधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाए। बन जाने पर पंचायत राज पदाधिकारी का हस्ताक्षर बैंकों से लेन देन के लिए मान्य हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में होने वाले कार्यों का भुगतान बैंकों के जरिए ही होता है। सामग्री आपूर्ति करने वालों के खाते में भुगतान होता है। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को मिड डे मील के साथ मिलेगा नाश्ता। बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। बता दें कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत बच्चों को भोजन से पहले ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को इससे फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार ने यूनिसेफ की मदद से बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण करवाया था। इसको लेकर के आगे भी सर्वेक्षण की प्रक्रिया करवाई जाएगी। इस योजना के साथ ये भी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर अमल करते हुए बिहार सरकार बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सेहत का भी पूरा ख्याल रखने की पहल कर रही है। बता दें कि बिहार सरकार ने छात्रों को मिड डे मील से पहले नाश्ता देने को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही साथ बिहार में बच्चों का हेल्थ कार्ड भी बनाया जाएगा।
राशन डीलरों के लाइसेंस रद्द करने के साथ ही प्राथमिकी भी हो सकती है दर्ज। बिहार सरकार बिहार के राशन डीलरों पर नकेल कसने की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत अब बिहार में गरीब परिवारों के बीच राशन का अनाज बांटने में गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर सरकार सख्ती दिखाने जा रही है। जानकारों की माने तो अब तक सरकार को कई ऐसे राशन डीलरों की शिकायत मिली है जो समय पर अनाज नहीं बांटते हैं, जरूरत से ज्यादा कीमत वसूलते हैं, कालाबाजारी करते हैं या फिर कम वजन तोल कर देते हैं। अब ऐसे डीलरों की मनमानी नहीं चलने वाली है। सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ऐसे 134 डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश संबंधित जिलाधिकारियों को दिया है। उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। कालाबाजारी का मामला सही पाए जाने पर प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अखिलेंद्र मिश्रा की। बिहार से निकले जाने माने अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा का जन्म आज के दिन साल 1960 को हुआ था। अखिलेंद्र मिश्रा एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन चरित्र अभिनेता हैं, जिन्हें 1990 के दशक की दूरदर्शन फैंटेसी टेलीविजन श्रृंखला चंद्रकांता में क्रूर सिंह के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में 1999 की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म सरफरोश में मिर्ची सेठ का चरित्र शामिल है। उन्होंने अकादमी पुरस्कार नामांकित फिल्म लगान में भी अर्जुन का किरदार निभाया था। उन्होंने हिंदू महाकाव्य रामायण के 2008 के टेलीविजन रूपांतरण में दानव राजा रावण की भूमिका निभाई थी। मिश्रा ने 1995 में रिलीज हुई वीरगति में सलमान खान के साथ प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई थी। थानों में लंबित मामलों की जांच में आएगी तेजी। बिहार के थानों में अब लंबित फाइलें देखने को नहीं मिलेंगी, जिसके तहत लंबित मामलों की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल को मंजूरी दे दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के थानों में लंबित मामलों को देखते हुए बिहार पुलिस के सीआईडी विभाग के द्वारा अनुसंधान की धार तेज की जाएगी। इसको लेकर ही सीआईडी की तरफ से राज्य सरकार को इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। अब जल्द ही इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से लंबित मामलों का अनुसंधान सही ढंग से किया जा सकेगा। ज्ञात हो इस बाबत बिहार के 44 पुलिस जिला रेल सहित पुलिस रेंज में यह सुविधा की जाएगी। अब एक टूर पैकेज में घूमे वीटीआर और नेपाल के चितवन नेशनल पार्क। भारत नेपाल के बीच पर्यटन के लिहाज से बड़ी योजना को लेकर सहमति जताई गई है, जिसके तहत अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटक नेपाल के चितवन नेशनल पार्क घूमने का भी आनंद ले सकते हैं, क्योंकि दोनों देश ने साझा पर्यटन पैकेज पर बातचीत कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार वीटीआर और चितवन नेशनल पार्क एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों जगह के वन्य प्राणी इधर उधर आते जाते भी रहते हैं। पर्यटक एक साथ दोनों जगह का टूर पैकेज ले सके, इसके लिए सहमति बनी है, जो कि 7 दिनों की होगी। इसमें पर्यटक 3 दिन वीटीआर और 4 दिन चितवन नेशनल पार्क में घूम सकेंगे। इसको लेकर चितवन नेशनल पार्क के आसपास के गांव में पर्यटकों के लिए होम स्टे भी बनाए गए हैं। जापान ने स्वास्थ्य विभाग को सौंपी कोल्ड चेन उपकरण। बीते दिन कोरोना से निपटने के लिए जापान सरकार की तरफ से यूनिसेफ के माध्यम से बिहार को कोल्ड चेन उपकरण सौंपी गई है। सचिवालय सभागार में भारत में जापान सरकार के प्रतिनिधि थासुमा साशिमुरा ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग को कोल्ड चेन उपकरण सौंपा। इस दौरान भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी एवं भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि यास्मिन अली हक वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वहीं इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए जापान और यूनिसेफ बिहार सरकार की मदद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर बिहार में शुरू हुई तैयारियां। विधानसभा के शताब्दी समारोह को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई बड़े चेहरे बिहार आने वाले हैं। वहीं राष्ट्रपति का आना तय हो गया है। यही कारण है कि उनके आगमन को लेकर अभी से ही बिहार में तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन करवाया गया था। इस दौरान उन्होंने बैठक कर राष्ट्रपति के पटना आगमन की तैयारियों पर विचार विमर्श किया। ज्ञात हो बीते दिन आयोजित इस बैठक में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित सरकार के मंत्री उपस्थित थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि 20 अक्टूबर को राष्ट्रपति राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन 21 अक्टूबर को विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। बाढ़ में बिहार के इतने गन्नों की हुई बर्बादी। प्राकृतिक आपदा की मार सबसे ज्यादा किसानों पर ही देखने को मिलती है, क्योंकि आपदा के कारण हर साल किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में बाढ़ के कारण बिहार के गन्ना किसानों को कितना नुकसान हुआ है, सरकार ने इसका ब्यौरा पेश किया है, जिसके तहत फसल क्षति की रिपोर्ट के आधार पर
प्रदेश में आई बाढ़ के चलते 6 जिलों में करीब 88 करोड़ रुपए की गन्ने की खेती बर्बाद हुई है, जिसके बाद अब रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित हजारों किसानों को फसल इनपुट दिया जाएगा। गन्ना उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में हालिया बैठक में इस रिपोर्ट पर गहन विचार विमर्श किया गया। ज्ञात हो बाढ़ से 48,781 हेक्टेयर रकबे में फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा बर्बादी चंपारण क्षेत्र में हुई है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग से पीछे हटी नीतीश सरकार। बिहार सरकार को जब से जातीय जनगणना की मांग पर केंद्र सरकार से झटका लगा है, तब से बिहार की राजनीतिक हवा की रुख बदल गई है, जिसके तहत केंद्र के इस फैसले को लेकर बिहार में अलग अलग राजनीति देखने को मिल रही है। इसी बीच अब बिहार सरकार की तरफ से की जा रही विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत इसको लेकर राज्य के योजना एवं विकास मंत्री विजयेंद्र यादव ने बड़ा बयान जारी किया है। मंत्री ने साफ कर दिया कि अब और नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते अब थक गए हैं, अब हम इस मुद्दे को लेकर मांग करना ही नहीं चाहते। बिहार सरकार की तरफ से इसको लेकर कई बार बातें कही गई हैं, विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते करते हमने कई साल बिता दिए हैं, लेकिन अब और नहीं। मंत्रालय ने भारत के 100 पर्यटन स्थलों में बिहार के इस जिले को किया शामिल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश और केंद्र की पर्यटन मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई 100 पर्यटन स्थलों की सूची में रोहतास जिला को शामिल किया गया है, जिसके तहत ही अब देश के विभिन्न हिस्सों के कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिले के ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का सैर कर उसके इतिहास और महत्व को जानने का काम करेंगे। साथ ही यहां आने वाले विद्यार्थी स्थलों के इतिहास, वैज्ञानिक योगदान और परंपराओं से अवगत होंगे, जिसे वो अब तक किताबों में ही पढ़ते रहे थे, जिस पर UGC ने उच्च शिक्षण संस्थानों को अमल करने का निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब बौद्ध और सूफी सर्किट से सासाराम के जुड़े होने के बाद पर्यटन के दृष्टिकोण से इस शहर की महत्ता और ज्यादा बढ़ गई है। इसकी महत्ता को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 100 पर्यटक स्थलों में स्थान दिया है। बिहार विधान परिषद के एक रिक्त सीट के लिए रोजीना नाजिश हुई निर्वाचित घोषित। बिहार विधान परिषद की एक रिक्त सीट के लिए जदयू उम्मीदवार रोजीना नाजिश निर्वाचित हो गई हैं। बिहार विधान परिषद सदस्य तनवीर अख्तर के निधन से रिक्त बिहार विधान परिषद के एक पद की उपचुनाव की अधिसूचना 15 सितंबर को जारी की गई थी और 22 सितंबर को नाम निर्देशन की अंतिम तारीख निर्धारित थी। इस उपचुनाव में जदयू उम्मीदवार रोजीना नाजिश ने 22 सितंबर को नाम निर्देशन हेतु अपना पर्चा निर्वाची पदाधिकारी सह आयुक्त पटना प्रमंडल श्री संजय कुमार अग्रवाल के समक्ष दाखिल किया था। नाम निर्देशन की उक्त अवधि में रोजीना नाजिश एकमात्र उम्मीदवार रही। निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप 23 सितंबर को नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा प्रेक्षक सह सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार श्री विनय कुमार की उपस्थिति में निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में की गई, जिसमें अभ्यर्थी रोजीना नाजिश स्वयं उपस्थित रहे। समीक्षा के उपरांत नाम निर्देशन पत्र सही पाया गया। इस प्रकार रोजीना नाजिश इस उपचुनाव की एकमात्र वैध उम्मीदवार रही और उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। कलाकारों के लिए जल्द ही जारी होगी प्रोत्साहन राशि। बिहार सरकार की तरफ से जल्द ही बिहार के कलाकारों के लिए प्रोत्साहन राशि जारी की जानी है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार का कला संस्कृति एवं युवा विभाग खेल गतिविधियों की तरह जल्द ही सांस्कृतिक कैलेंडर भी जारी करेगा, जिसमें साल भर में आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिक्र किया जाएगा। राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय आयोजन की भी तारीख तय होगी। विभागीय अधिकारियों की माने तो मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन का अनुमोदन मिलते ही इसे जारी किया जाएगा। कैलेंडर जारी होने से कलाकारों के साथ दर्शकों को भी काफी सहूलियत होगी। कोरोना काल में कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी अगले एक सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। इसके लिए कलाकारों की सूची फाइनल कर ली गई है और उनके बैंक खाते के जरिए राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। बिहार में शुरू हुआ 5G टावर लगाने का काम। दुनिया भर में फिलहाल 4G सेवा के जरिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद अब 5G को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है, जिससे कि आने वाले समय में बदलाव और ज्यादा दिखने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि भारत में अभी इसकी लॉन्चिंग नहीं हुई है, ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद अब बिहार के लिए एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, जिसके तहत अब बिहार के बेगूसराय जिले से 5G सेवा लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर 4G टावरों को नए उपकरण के जरिए 5G के लिए अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच कई ऐसे इलाकों के नाम भी सामने आए हैं जो अपने इलाके में 5G लॉन्च करने का विरोध कर रहे हैं। भारत बंद को लेकर जदयू ने साधा राजद पर निशाना। बीते दिन भारत बंद का आह्वान किया गया था, जो कि किसानों ने देश भर में किया था, जिसका असर बिहार में भी मिलाजुला देखने को मिला, जिसके तहत बिहार की विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने इस दौरान भारत बंद का समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारे में बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया।
जिसके तहत जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद पर निशाना साधा है। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि बंद के नाम पर हुड़दंग, वह राजद कहीं टायर जला रहे हैं तो कहीं ट्रेन रोक रहे हैं, मारपीट, लोगों को डराना धमकाना, मतलब कभी नहीं सुधरेंगे, जंगल राज के बचे खुचे लठैत। बीते दिन बुलाए गए भारत बंद का असर बिहार में भी मिला जुला देखने को मिला। हालांकि इस दौरान बिहार की विपक्षी दलें काफी आक्रामक दिखी। यही कारण है कि बीते दिन जैसे ही बंद का आह्वान हुआ, वैसे ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सरकार का घेराव किया। इस बाबत उन्होंने अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि भारत कृषकों के परिश्रम से ताकत पाकर बढ़ने वाला कृषि प्रधान देश है। यह मुट्ठी भर पूंजीपतियों का क्रोनी कैपिटलिज्म प्रधान देश नहीं है। घोर पूंजीवाद समस्त धन को मुट्ठी भर लोगों की झोली में डालता है, जबकि किसान सबके लिए अन्न पैदा करता है। इसलिए हम किसान और आज भारत बंद है उसके साथ है। ज्ञात हो, बीते दिन बुलाए गए भारत बंद को लेकर राजद ने पहले ही समर्थन का ऐलान कर दिया था और पार्टी मैदान में भी उतरी थी। बिहार के 71 स्थानों पर घाटों की होगी सफाई। बीते दिन बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने बिहार के 71 स्थानों पर घाटों की सफाई की बात कही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सेवा समर्पण अभियान के तहत आगामी 1 अक्टूबर को राज्य में गंगा समेत अन्य नदियों के घाटों की 71 स्थानों पर सफाई करेंगे। इतना ही नहीं, 20 स्थानों पर गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा। इस बाबत उन्होंने कहा कि मानव जीवन में नदियों का बड़ा योगदान है, वो जलीय जीव जंतु के साथ हमारा भी पालन करती है। हमारे जीवन के लिए नदियों को स्वच्छ होना आवश्यक है। इसके साथ ही 28 अक्टूबर को रक्तदान का आयोजन भी करवाया जाएगा। जल्दी निपटाने बैंक और टैक्स से जुड़े ये जरूरी काम। 30 सितंबर आने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है। ऐसे में अगर इनकम टैक्स और बैंकिंग से जुड़े नियमों में जल्द बदलाव होने वाला है, जिसके तहत अब 30 सितंबर से पहले अपने बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर जुड़वा लें। ऐसा नहीं करने पर आगे चलकर बैंक से जुड़े काम में आपको दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही अपने डीमैट अकाउंट का केवाईसी भी करवा लें। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो डीमैट अकाउंट बंद हो सकता है। केवाईसी नहीं होने पर डीमैट अकाउंट से शेयर का ट्रांसफर पूरा नहीं होगा। भारत बंद का दिखा बिहार में मिलाजुला असर। बीते दिन किसानों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसका थोड़ा बहुत असर बिहार में भी देखने को मिला। बिहार में बंद का असर इसलिए भी दिखा क्योंकि भारत बंद को बिहार की राजनीतिक पार्टियों का साथ मिल गया था, जिसके कारण ही बिहार के कुछ इलाके में बंद का असर देखने को मिला, जिसके तहत राजधानी पटना में कुछ इलाकों में भारत बंद के समर्थकों ने हंगामा किया। वहीं कैमूर जिले में राजद विधायकों के साथ कार्यकर्ताओं ने भी सड़क जाम किया। वहीं इस दौरान बंद का समर्थन कर रही राजद पार्टी के भी कई बड़े चेहरे मैदान में दिखे। हालांकि तेजस्वी बीते दिन फिर से गायब दिखे। भारत बंद को लेकर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की सरकार अंबानी और अडानी के फेरे में लगी है, सरकार को किसानों से कोई लेना देना नहीं है। सीबीएसई के 10वीं 12वीं परीक्षा में इस विषय में पूछे जाएंगे सेक्शन वार सवाल। सीबीएसई की 10वीं 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई की तरफ से जारी किए गए नई जानकारी के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में स्किल विषय में सेक्शन वार प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको लेकर बोर्ड की तरफ से स्किल विषय के सभी चैप्टर को 3 सेक्शन में बांटा गया है, जिसके बाद अब सेक्शन वार सवाल पूछे जाएंगे। सीबीएसई की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 10वीं में 18 और 12वीं में कुल 42 तरह के स्किल विषय छात्र पढ़ते हैं। बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं टर्म 1 परीक्षा के लिए स्किल विषय का सिलेबस जारी किया गया है। इस सिलेबस की मदद से छात्र भी तैयारी कर पाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय ने 1837 में दिल्ली का शासन संभाला। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने 2007 में विशेष यान डॉन का प्रक्षेपण किया। स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा 2009 में पैन पैसिफिक ओपन के पहले राउंड में हार के बाद बाहर हुई। मुख्यमंत्री मायावती ने 2011 में 72 जिलों वाले उत्तर प्रदेश में पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर और संभल नामक 3 और जिले के निर्माण की घोषणा की। विश्व बैंक ने 2004 में भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा। आध्यात्मिक गुरु शिरडी साई बाबा का 1836 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारत पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का 1929 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का 1982 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मित्र का 2012 में आज ही के दिन निधन हुआ था। आज एक बार फिर से भिड़ेंगी आईपीएल में 4-4 टीमें। आईपीएल के 14वें संस्करण के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है और अब तक कई सारे मैच भी खेले जा चुके हैं, जिसमें कई टीमों का प्रदर्शन तो बेहतरीन देखने को मिला, मगर कई टीमों को करारी हार का सामना भी करना पड़ा है और अब यह खेल तेजी से अपने समापन की तरफ भी बढ़ने लगा है। वहीं आज एक बार फिर से 4-4 टीम मैदान में एक दूसरे से भिड़ने जा रही है, जिसके तहत पहले मुकाबले में केकेआर और डीसी एक दूसरे से भिड़ेंगी। वहीं दूसरे मुकाबले में मुंबई और पंजाब की टीम एक दूसरे से भिड़ने वाली है। पॉइंट टेबल की बात करें तो दिल्ली 10वें
से 8 मैच जीतकर दूसरे पायदान पर है। वहीं केकेआर की टीम 10 में से 4 मुकाबला जीतकर चौथे स्थान पर है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई 10 में से 4 मैच जीतकर 7वें स्थान पर है। वहीं पंजाब की टीम 10 में से 4 मैच जीतकर 5वें स्थान पर है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनू कुमार, मनीष मोहरा, श्वेता रॉय प्रदीप, गौतम कुमार, रविंद्र पासवान, प्रमोद कुमार, ललित कुमार, अनुज गुप्ता, अनिल कुमार, अमर आजाद, ओमकार सिंह, संदीप कुमार शर्मा, अखिलेश यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। बिहार के छात्रों को मिड डे मील के साथ साथ सुबह का नाश्ता देने का फैसला आपके अनुसार सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।